विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर दी बर्थ ऑफ बेबी बेबी के बर्थ के बाद मिल्क रिलीजिंग में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑप्शन ए प्रोजेस्ट्रॉन ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन ऑप्शन सी ऑक्जिटोसिन ऑप्शन डी एस्ट्रोजन राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑक्जिटोसिन फ्रेंड इस क्वेश्चन में मैक्सिम टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्जीटोसिन राइट आंसर इज ऑक्जीटोसिन प्रोलेक्टिंग हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है मैमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आफ्टर डिलीवरी मिल्क इजेक्शन और मिल्क रिलीजिंग में हेल्प करता है बाई कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स नियर मैमरी ग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज पाइनस पाइनस इज अ ट्री श्रब नन ऑफ दीज वेरी इजी क्वेश्चन हेयर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑप्शन इज पाइनस इज अ ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैमेज ओजोन लेअर Is situated in option number A ionosphere, mesosphere, stratosphere, or troposphere. Yes, friends. Very easy question again. Yeah, right answer is option number C. Ozone layer is present in stratosphere, lower region of stratosphere up to 15 to 30 kilometer And ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of sunlight. Next question is the term ecosystem was introduced by टर्म इको सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की थी यस फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन एजी टेंसले सी डी महेश्वरी यदि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी एजी टेंसले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है आप चाहे मेडिकल टाइप की बात करें या फिर किसी और एग्जाम्स की बात करें हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम रिपीटेड देखा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट्स एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म ऑप्शन ए नाइट्रेट वी नाइट्रोजन ट्राइ ऑक्साइड सी नाइट्रोजन फोस्फेट डी ऑल ऑफ दस फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए इन दम ऑफ नाइट्रेट इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की फॉर्म में भी ऑब्जॉर्ब की जाती है लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो नाइट्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड यर कॉजिटिव एजेंट इनमें से कौन सा मैच हो वो करेक्ट है ऑप्शन ए एड्स बैक्टीरिया वी मलेरिया ट्राइपेनोजोमा सी टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी डी गोनोरिया वायरस एड्स इज काउस्ड बाई अ वायरस अच्छा अबी वायरस मलेरिया काउस्ड बाई प्लाज्मोडियम टाइफाइड काउस्ड बाई साल्मोनेला टाइफी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू हाई माउंटेन पीक उसके ब्रीदिंग रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कोई एल्टीट्यूड मूव करेगा ऑप्शन ए ब्रीदिंग बिल इंक्रीज ऑप्शन बी ब्रीदिंग बिल डिक्रीज ऑप्शन सी ब्रीदिंग बिल रिमेन कॉन्स्टेंट ऑप्शन डी ब्रीदिंग बिल स्टॉप जैसे ही कोई भी पर्सन जो है वो लोअर आल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड की ओर मूव करता है तो वहाँ क्या रहता है ऑक्सीजन का अमाउंट जो वो कम होता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की टेंशन बढ़ जाती है तो एल्वोलाई से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब्शन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एल्वोलाई से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है जिससे क्या होता है ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई हो जाता है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्रीदिंग बिल इंक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में होती है ग्लूकोज माल्टोज ग्लैक्टोज और सुक्रोज यस फ्रेंड्स आर इजी क्वेश्चन अगेन इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसलोकेशन जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन जो की, की जाती है प्लांट्स द्वारा वो मोनोसेक्राइट की फॉर्म में की जाती है ग्लूकोज और फक्टोज की फॉर्म में फिर इसको डाइसक्राइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसके लिए इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर स्टार्च को ईजिली डिजॉल्व विंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है दैट इज सुक्रोज और सुक्रोज इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक बाई सीप ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन लेंथ ऑफ ए वैंड जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ए वैंड की लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज टू स्मॉलर एक्सटेंट चेंज टू लार्जर एक्सटेंट रिमेन अनचेंज बोथ एंड वी यस फ्रेंड्स यंसर इज ऑप्शन नंबर

उसका क्या इफेक्ट होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन आई वेंड एच वेंड दोनों की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है और आई वेंड की जो लेंथ है वो एज इट इज रहती है दिस होल इज आई वेंड और इसकी लेंथ जो वो एज इट इज ही रहती है डिफरेंस कहाँ आता है इन द लेंथ ऑफ एच वेंड एंड आई वेंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर्स आर द्लोटिंग रिप्स इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में कौन सी रिप्स को फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है कौन सी पेयर को ऑप्शन ए एथ नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑप्शन बी वन टू सेवंथ पेयर ऑप्शन सी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर ऑप्शन डी ऑल दस सो फ्रेंड्स यार राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ रिप्स आर नोन एज फ्लोटिंग रिप्स इन ह्यूमन बॉडीजन एज फ्लोटिंग रिप्स जर्नली इन ह्यूमन बॉडी देर आर ट्वेंटी फोर रिप्स ट्वेल्व पेयर्स ऑफ दिसवन पेयर्स फर्स्ट सेवन पेयर्स टू सेवन आर नोन एज ट्रू रिब्स एंड नेक्स्टर्स आर नोन एज फॉल्स रिब्स नेक्स्ट फाइव आउट ऑफ दिस एट नाइन टेन एंड इलेवन ट्वेल्व जो फर्स्ट सेवन रिप्स रहती हैं वो एंटीरियरली सरनम के साथ कनेक्टेड रहती हैं और पोस्टीरियरली वर्टेब्रे के साथ कनेक्टेड होती हैं सो दैट्स वाई दे आर ट्रू रिब्स एंड नेक्स्ट थ्री एथ नाइन्थ एंड कनेक्टेड टू दी आइए इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं, लेट्स सी, टू रिप्स बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू स्टर्नम एंटीरियरली एंड टू वर्टेब्रे पोस्टीरियरली एंड नेक्स्ट फाइव दैट इज एट टू ट्वेल्व दीज आर कनेक्टेड To vertebrae posteriorly, but to sternum, these are connected with the help of coastal raises. So, these are known as false ribs. And last two, 11th and 12th, are known as floating ribs. Why floating ribs? Because they are not connected to the sternum. They are connected to vertebrae posteriorly, but anteriorly, they are free. That's why floating ribs. Next question is. प्रीनेटल डिफेक्ट्स इन इन दिटस इज डिटेक्टेड बाय बिफोर बर्थ अगर बच्चे में कोई फिटर्स में कोई भी डिफेक्ट हो तो उसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है बाई लेप्रोस्कोपी एमनियोसेंटेंसिस जेनेटिक इंजीनियरिंग और एम आर आई द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एमनियोसेंटेसिस एमनियो सेंटेंसिस क्या होता है एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर रहता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूड रिमूव किया जाता है यूटरस से और उसकी टेस्टिंग की जाती है मॉम के से एमनोटिक फ्लूड को सेपरेट किया जाता है एमनोटिक फ्लूड क्या होता है एमनोटिक फ्लूड इज अ फ्लूड दैट साउंडस अ बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ फिटल सेल्स एंड वेरियस प्रोटीन्स तो उससे हम कोई भी प्रीनेटल डिफेक्ट्स हों क्रोमोजोम से रिलेटेड लाइक डाउन सिंड्रोम्स एट्सेट्रा तो उनका हम पता लगा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेवरिन इज अ डिजीज ऑफ कैटल सिल्क बॉम हैंड और फेस फ्रेंड्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर V silkworm. pebrine is a disease of silkworm and it is caused by protozoan microsporidian parasites, mainly nozema bombycis Nozema bombisis is the causative agent of pebrin disease in silk Next question is photochemical smog is what is photochemical smoke? Photochemical smoke? Photochemical smoke is a Smoke, which is formed by secondary pollutants released by the automobile exhausts, here nitrogen dioxide splits into nitric oxide and nascent oxygen. This nascent oxygen forms ozone. This and these all nitrogen oxide, ozone, and PAN form photochemical smoke Here, one more question comes. Photochemical smoke doesn't contain, and the right answer is. कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मोक डजन कंटेन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट कन अगर यहाँ शायद क्वेश्चन में गलती हो गई है होगी फोटोकेमिकल क्वेश्चन वाज फोटोकेमिकल स्मोक डजेंट कंटेन सो फोटोकेमिकल स्मोक हो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इट कंटेन्स पैन ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट ऑफ हार्ट वेट इज कंट्रोल्ड बाई विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा हार्ट की फंक्शनिंग हार्ट बीट के रेट को कंट्रोल किया जाता है ऑप्शन ए सैरिव्रम बी पॉन्सोलाई सी मेडुला ऑबलोंगेटा डी हाइफोथल मेडुला ऑब्लोंगेटा मेडुला ऑबलोंगेटा मेडुला ऑबलोंगलेटा प्ले प्राइमरी रोल इन रेगुलेटिंग अवर इनवोलेंट्री लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन सच एज ब्रीदिंग स्वेलिंग और हार्ट रीट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरिया ऑफ रेटीना बिज ड हैव रॉड्स एंड कॉन्स आर रेटीना का ऐसा एरिया जहां रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होते हैं क्या कहा जाता है येलो स्पॉट रेड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट और ब्लू स्पॉट यस फ्रेंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंड स्पॉट वट इज ब्लाइंड स्पॉट लेट सी डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई ब्लाइंड स्पॉट इज अ रीजन

or doubt consult or you can inbox in comment box thank you